तो गाइस फाइनली द डे इज़ हियर। मैंने पूरी गाड़ी पैकअप कर दी है चीज़ों से और हम जा रहे हैं ये छोड़ के टोरंटो, दूर कैलगरी टोरंटो से। और वो अगर आपको देखना है कि किस तरह पहुंचना है गाड़ी में टोरंटो से कैलगरी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सुबह सुबह का वक्त है, सुबह हो चुकी है और मैं निकल पड़ा हूँ एक लंबी जर्नी में जो कि है 3,500 किलोमीटर्स की। ठीक है जी, ये है मेरा यहाँ का टोरंटो का इंशाल्लाह आखिरी सफ़र। अपने घर से जिस तरह मैं रोज़ निकलता था उसी तरह मैं आज निकला और अब मैं जा रहा हूँ 3,500 किलोमीटर दूर कैलगरी, जहाँ मैं मूव हो रहा हूँ। मेरे पास कुछ सामान है और मेरी फैमिली जो है वो बाय एयर ट्रैवल करेगी, मैं अपने दोस्त के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं अपने दोस्त को अभी लेने जा रहा हूँ उसके घर पे। अच्छा भाई, ये मैं आ गया हूँ अपने दोस्त को पिक करने के लिए यहाँ से और इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं कैलगरी के लिए। रास्ते में हम लोग रुकेंगे थंडर बे, विच इज़ आर फर्स्ट स्टॉप। तो यानी कि 13 घंटे की ड्राइव के बाद, या ऑलमोस्ट समझे आप 15 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुँचेंगे थंडर बे। थंडर बे पहुँच के फिर हम लोग रात रुकेंगे और फिर नेक्स्ट स्टॉप हमारा होगा विनिपेग। तो रास्ते में देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है, किस तरह का सफ़र रहता है। मैं आपको पूरा समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। गैस मैंने फुल कर ली है, सामान सारा पैक्ड है, खाने पीने की कुछ चीज़ें ली हैं, बाकी चीज़ें हम लोग रास्ते से ही लेंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। जी तो हम लोग अभी बाईपास कर रहे हैं सटबरी को, जो कि हमारी राइट हैंड साइड पर अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, और अभी हम बस सीधा जा रहे हैं इसको बाईपास करते हुए। ये एक पहला बड़ा सिटी आया है आफ्टर लीविंग टोरंटो पेरी के बाद, और बस वेरी सिंपल, गूगल को बस फॉलो करते आ रहे हैं। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। क्या हालचाल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ही होना चाहिए हमेशा। ये बेसिकली मैं अब थोड़ा सा वॉइस ओवर कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये ट्रिप मैंने स्टार्ट किया था इन द मंथ ऑफ जुलाई 2023, और मेरे साथ है मेरे दोस्त जसकरन, जैसा कि आप देख चुके हैं इस वीडियो में। हमारा ट्रिप बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़बरदस्त था। 3 दिन का टोटल ट्रिप था। ये जो आप पूरी लेक्स देख रहे हैं रास्ते में और ये जो पहाड़ियाँ, ये सारा जो है टोरंटो से नॉर्थ के एरिया में आता है, और ये सारी जगह जो है वो बेसिकली लेक सुपीरियर है। मतलब ऑलमोस्ट सारा रास्ता फ्रॉम टोरंटो टू थंडर बे आपको सिर्फ लेक सुपीरियर मिलेगी। जैसा कि आपको अभी ट्रेन दिख रही है, वही आपको ट्रेन सारे रास्ते मिलेगी। इट्स अ वाइंडिंग रोड, बहुत ही वाइंडिंग किस्म की रोड थी। ये हाईवे सबसे ज़्यादा मुश्किल था ड्राइव करने में। 95 किलोमीटर स्पीड लिमिट थी इधर, और मैं 120-125 पे गाड़ी चला रहा था। अदरवाइज़ आप कभी भी नहीं पहुंच सकते हो अपनी डेस्टिनेशन विच इज़ थंडर बे इन 16 और लाइक यू नो इन 15 आवर्स। रास्ते में हमें जो है, हमने बस रुके, कॉफ़ी वगैरह पी और बस खाते पीते रहे। और ये एक डेस्टिनेशन थी जो कि मेन यू नो थंडर बे का एक बस सैंडी एरिया था जहाँ पर हम रुके। थोड़ा सा हम लोगों ने वेट किया वहाँ पर, थोड़ा पानी में यू नो हल्का अपने पैर वैर गीले किए, अपने आप अपनी कमर सीधी करी, उसके बाद फिर से हम निकल पड़े। और ये जो पूरी ट्रेन है, ये पूरे रास्ते इसी तरह रही। ये जो ट्रांस कैनेडा हाईवे है, ये बहुत ही आने जाने वाला, मतलब ऑब्वियसली वन वे है, सो इट्स डिफ़िकल्ट टू ड्राइव अनटिल थंडर बे। उसके बाद की वीडियो अब बाद में आएगी, वो पार्ट टू मैं उसके लिए बनाऊँगा। ये पार्ट वन है, वेरी सिंपल, गूगल पर आप डालो और बस आप निकल जाओ। ये देखें थंडर बे आपके सामने, शाम का वक्त और हम पहुंच चुके हैं 16 आवर्स की ड्राइव के बाद होटल में पहुंच चुके हैं। बड़ा ज़बरदस्त सफ़र रहा और आई थिंक अच्छा स्टॉप है। थोड़ी सी लंबी ड्राइव है अगर फैमिली है, थोड़ा सा मुश्किल अगर आपके दो चार हैं, यस तो आप आराम से कर सकते हैं। 16 भी नहीं, आई थिंक 15 घंटे में हम आ सकते हैं। तो जो एस्टिमेटेड टाइम था वही हुआ, जबकि एक पुलिस वाले ने भी हमें रोका रास्ते में। तो बस आप देख, आपको दिखाता है। तो भाई ये हमारा है होटल रूम, ठीक है जी, छोटा सा वॉशरूम। फिर उसके बाद जो है आपके सामने है ये जे के पास, ये एंड दिस फॉर मी। जैसे कि आप देख सकते हैं भाई, हम पहुंच चुके हैं थंडर बे। अभी हम जाएंगे कुछ बाहर से कुछ खाने के लिए लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त सफ़र था, मैं आपको बताऊँ, बहुत अच्छा सफ़र था। हमें एक पुलिस वाले ने भी रोका रास्ते में, यस एक पुलिस वाले ने हमें रास्ते में रोका, जो कि काफ़ी शॉकिंग था। मैं ऐसा कुछ कर नहीं रहा था, फिर भी उसने अभी बिल्कुल थंडर बे पहुँचने से पहले उसने हमें रोका है, और उसने बस मेरे से चीज़ें वगैरह ली हैं, और उसने बोला आपकी गाड़ी के टेंट जो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये वो,
तो विच इज़ वेरी वियर्ड टू बी ऑनेस्ट। तो बस ये हमारे साथ हुआ है, बाकी उसने भी छोड़ दिया, तो ओवरऑल एवरीथिंग वॉज फाइन एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रीच्ड थंडर बे। इसके बाद हम निकलेंगे विनिपैग, विच इज़ 800 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, और उसके बाद हमारी फाइनल डेस्टिनेशन विच इज़ कैलगरी। तो देखते रहें। अच्छा जी, जो सुबह के हो चुके हैं अभी 7, और अब हम निकल रहे हैं विनिपैग के लिए। हमारा सफ़र जो था, जो स्टार्ट हुआ टोरंटो से थंडर बे, अभी थंडर बे में, थंडर बे से हम जा रहे हैं सीधा विनिपैग, जहाँ पे जाते हुए हमें लगेंगे तकरीबन और तकरीबन कोई 8 घंटे। ये अभी छोटा स्ट्रेच है, उसके बाद हमारा कल बहुत लंबा अगेन लाइक ऑलमोस्ट 13 आवर्स, सॉरी 50 आवर्स का स्ट्रेच होगा। तो साथ रहिएगा, अभी देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है। चलिए, 3,000 तकरीबन 600 से 700 किलोमीटर अगर आप ड्राइव करना चाहते हैं 3 दिन के अंदर, तो ये पॉसिबल है, 101% पॉसिबल है। बिल्कुल भी ये नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। बट यस, विदाउट फैमिली, आपका कोई दोस्त हो आपके साथ, वो भी बहुत ज़रूरी है। अकेले भी मेरे हिसाब से ये ट्रैवल नहीं हो सकता। जो बंदा अकेला करेगा उसको सलाम, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पार्ट 2 आई विल अपलोड इट होपफुली टुमारो। सी यू गाइस।